दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, अपना स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 सालों से फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए अलग अलग और नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आता है। अभी के ज़माने की जो ज़रूरत है, अभी जो लॉकडाउन पूरा होगा उसके बाद जो शादियां शुरू होगी, उसमें जिस तरह से गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं कि भाई 50 लोग ही शादी पे आ सकते हैं, तो दूसरे 200-500 लोग शादी को कैसे देख सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग एक सिंगल कैमरा से आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे किस तरीके से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, इसका पूरा डेमो लाइव स्ट्रीम करके मैं बताना चाहूँगा। मेरे हाथ में है ये प्रोडक्ट इंटेंसिटी शटल ब्लैक मैजिक का, जो मैंने अभी ये कनेक्शंस का डिवाइस मैं आपको एक बना तो बता देता हूँ कि कैसा किया हुआ है। बताना चाहेंगे आप एक सिंगल कैमरा से आपका वेडिंग का या कोई भी कॉर्पोरेट फंक्शन आप उसको लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, ब्लैक मैजिक का इंटेंसिटी शटल। यहाँ पर आप थोड़ा कनेक्शंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कैमरा हमने यहाँ लगा रखा है स्टैंड पर, और यहाँ से स्टैंड कैमरा में से HDMI का आउटपुट लिया है और हमने इंटेंसिटी शटल के इस डिवाइस के अंदर HDMI इनपुट दे दिया है, और इस डिवाइस से USB 3.0 का ब्लू कलर का ये जो वायर है ये कैमरे के साथ अटैच है। यहाँ पर लैपटॉप के अंदर आप देखेंगे OBS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, और यहाँ आपको डायरेक्ट कैमरा का जो इनपुट है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। चलो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि आप आपका इंटेंसिटी शटल आपके लैपटॉप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो इंटेंसिटी शटल है उसके साथ आपको एक ब्लू कलर का केबल मिला होगा, वो एक USB 3 का केबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में USB 3 का पोर्ट है तो ही ये डिवाइस काम करेगा। आप पहले ये डिवाइस को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद ब्लैक मैजिक का एक सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप यूटिलिटी करके, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे। वो सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद अगर आपका इंटेंसिटी शटल बराबर केबल से कनेक्टेड होगा तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि आपका इंटेंसिटी शटल आपके डिवाइस से कनेक्टेड है। अब ये जो बटन है आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, और अगर कुछ चेंज करना हो आपको तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इनपुट कहाँ से लेना वो आप चेंज कर सकते हैं, ऑडियो कहाँ से लेना वो आप चेंज कर सकते हैं। ये सब चेंजेस करने के बाद आप सेव कर देंगे और ये ब्लैक मैजिक का सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे। अभी हम लॉन्च करेंगे OBS। OBS एक सॉफ्टवेयर है जो आपको लाइव स्ट्रीमिंग में हेल्प करता है। OBS सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ये OBS का बेसिक स्क्रीन है। यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ सोर्स का विंडो है जहां से आप सोर्स लेंगे आपका। यहाँ राइट में आपका रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग के ऑप्शंस है। यहाँ सेंटर में आपका मिक्सर है, और ये आपका स्क्रीन है जो लोगों को दिखने वाला है, ठीक है। अभी आपके सोर्स में जाएंगे और आप यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने आपका ब्लैक मैजिक का सॉफ्टवेयर बराबर इंस्टॉल किया रहेगा तो यहाँ आपको ब्लैक मैजिक डिवाइस का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये क्रिएट न्यू करेंगे। आपको जो नाम देना है आप दे सकते हैं डिवाइस का। अभी हम देंगे इंटेंसिटी शटल। ये नाम देने के बाद आपका ये विंडो खुलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी डिवाइस में रेड किया हुआ है बिकॉज अभी कोई डिवाइस सिलेक्टेड है नहीं। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी शटल बता रहा है, और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरा का इनपुट यहाँ सामने आ गया है। अभी हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं। आप आपका ब्राउजर खोलेंगे और यहाँ youtube.com पे जाएंगे, तो यह आपका यूट्यूब का होम पेज है। अगर आपने YouTube के अकाउंट में लॉगिन कर दिया होगा तो यहाँ आपको एक क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपको गो लाइव का ऑप्शन आएगा। गो लाइव पर जाएंगे हम। अगर आपका अकाउंट एलिजिबल होगा तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा जहाँ आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ये जो है ये आपका टाइटल है, ठीक है। यहाँ आपकी स्ट्रीम का जो नाम देना है वो देंगे, तो हम इसको देते हैं टेस्ट स्ट्रीम एंड आज की डेट 31 मई 2020। ये आप यहाँ आप डिसाइड कर सकते हैं आपका लाइव स्ट्रीम कौन देख सकता है। अगर पब्लिक पर सेट करेंगे तो आपका लाइव स्ट्रीम कोई भी देख सकता है। अगर आप अनलिस्टेड सेट करते हैं तो जिसके पास भी ये लाइव स्ट्रीम का लिंक होगा सिर्फ वही देख पाएगा। अगर आप प्राइवेट पर सेट करें तो सिर्फ आप देख पाएंगे। तो अभी के लिए हम पब्लिक पर सेट करते हैं इसे। यहाँ पर आप लाइव स्ट्रीम का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मैं कोई डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है।
यहाँ पे आप शेड्यूल फॉर लेटर कर सकते हैं अगर आपको बाद में के लिए लाइव स्ट्रीम चालू करनी हो और अभी से बना के रखनी हो तो। यहाँ आपका थंबनेल डाल सकते हैं, जो आपका आइकन जो रहता है आपके लाइव स्ट्रीम के ऊपर वो यहाँ आता है, और फिर ये करके आप क्रिएट स्ट्रीम कर देंगे। अब कभी जो भी लाइव स्ट्रीम करते हो कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको लाइव स्ट्रीम करने के लिए स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्ट्रीम एनकोडर, स्ट्रीम की दी हुई पेस्ट इन एनकोडर, तो जो OBS जो है हमारा वो हमारा एनकोडर है जो ये स्ट्रीम की रिक्वायर करता है। तो हम ये स्ट्रीम की कॉपी करेंगे और हम OBS में जाएंगे। अभी OBS में जाके फाइल में सेटिंग में अगर आप जाएंगे और यहाँ स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप जो भी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करने वाले वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम यूट्यूब पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमने अभी यूट्यूब सेलेक्ट किया हुआ है। अब जो आपने स्ट्रीम की यहाँ से कॉपी करी थी वो आप ये वाली हटा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट करके आप अप्लाई कर देना। एक बार स्ट्रीम की अप्लाई हो जाएगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम राइट में स्टार्ट स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है, ये आप स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक कर सकते हैं। एक बार आपने स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक कर दिया फिर ये यूट्यूब को अपना ये जो स्क्रीन है आपका वो भेजना चालू कर देगा। अगर आप चाहते हैं आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्ट्रीम को, तो आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। अभी हम यूट्यूब पे जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में लिखा रहा है कनेक्टेड टू स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये है कि जो आपका OBS सॉफ्टवेयर है यूट्यूब उससे कनेक्ट कर रहा है अभी। एक बार आपका ये OBS सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो जाएगा तो आपका ये टॉप राइट में जो गो लाइव का बटन देखिए ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया इसका मतलब ये है कि अभी आप लाइव जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वेट करना है आपकी प्रीव्यू का तो लेफ्ट में देख सकते हैं कि मेरे कैमरा का प्रीव्यू आ रहा है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि आप कोई भी लाइव स्ट्रीम करेंगे तो उसमें डिले ज़रूर आएगा। ठीक है, आधे मिनट तक का डिले आ सकता है, अगर वैसा कुछ आ रहा तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो सही चल रहा है। ठीक है, अभी हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे, हमने गो लाइव पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे लिखा रहा है कि वी आर लाइव राइट नाउ। अब यहाँ पे राइट में आपको जो चैट होता है लाइव चैट वो आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, और आपको जो स्ट्रीम बंद करनी हो तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम कोई और अकाउंट से लॉगिन करके स्ट्रीम देखेंगे। ये ठीक है, अगर आप यहाँ पे सर्च में लिखेंगे मुंजाल सोलंकी, ठीक है हमारे चैनल का नाम, यहाँ पे मैं मुंजाल सोलंकी के नाम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ दिख रहा है लाइव नाउ दिख रहा है। ठीक है, तो हमने लाइव नाउ पे क्लिक किया एंड ये हमारा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन हो गया। अभी हम कोई और अकाउंट से लॉगिन करके स्ट्रीम देखेंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे वॉइस में डिले आ रहा है, ये डिले आपको आना ही है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना आपके। जब आपका लाइव स्ट्रीम ख़त्म करना हो तो आप वापस यहाँ जाके एंड स्ट्रीम पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हम फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपना ब्राउज़र खोलेंगे और ये आप ये वेबसाइट पे जाएंगे facebook.com/live/create। ठीक है, आपको अगर फेसबुक में साइन इन किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको क्रिएट लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्रिएट लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करिएगा। एक बार जब आपका लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगा तो आपको ऑप्शन आएगा, आपको आपको कैमरा यूज़ करना है, आपको एनकोडर पेयर करना है, क्या आपको स्ट्रीम की यूज़ करना है। तो हम स्ट्रीम की सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रीम की दिखेगी, जैसे यूट्यूब में यूट्यूब की स्ट्रीम की थी वैसे फेसबुक की भी स्ट्रीम की होती है। ये स्ट्रीम की आप कॉपी करेंगे, आपके OBS में जाएंगे, यहाँ फाइल सेटिंग्स स्ट्रीम, यहाँ फेस सर्विस में फेसबुक लाइव सेलेक्ट करेंगे बिकॉज हम फेसबुक पर लाइव जाने वाले। जो हमने स्ट्रीम की कॉपी करी थी वो हम यहाँ पेस्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक कर देंगे जो बॉटम राइट में है यहाँ पे। अब यहाँ ऊपर जाके स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कनेक्टिंग लाइव वीडियो, इसका मतलब ये है कि OBS सॉफ्टवेयर फेसबुक से कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। अभी OBS ने फेसबुक से कनेक्ट कर लिया है। अगर आपको चेक करना हो कि आपकी लाइव स्ट्रीम चल रही है कि नहीं तो आप प्ले पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप बॉटम लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पे गो लाइव का बटन है, अगर आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे फिर आप फेसबुक पे लाइव हो जाएंगे। ठीक है,
अभी आपका ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है, जितने भी लोग आपके फेसबुक पे फॉलो कर रहे होंगे उन सबको ये दिख रहा होगा, वो ये लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए हम लाइव स्ट्रीम एंड कर देते हैं डेमो के लिए, फिर हम वापस OBS में जाएंगे और यहाँ आप स्टॉप स्ट्रीमिंग कर देंगे। दोस्तों ऐसे हम करते हैं YouTube और Facebook पर लाइव स्ट्रीम। दोस्तों आज का हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग के इक्विपमेंट्स की टोटल जानकारी चाहिए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।